सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, आज 15 तारीख है, 15 जनवरी है, और आप सबको सेना दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरा दिल से सल्यूट है हमारे जो फौजी भाई हैं, जो जवान भाई हैं, उनको जो देश की सरहदों के ऊपर हम सबकी जान की रक्षा करते हैं, उन सबको एक बार पुनः दिल से सल्यूट है। साथियों, जैसा कि रोज अपने चर्चा करते होते हैं, इस समय फसलों के भाव के ऊपर आज भी अपनी चर्चा करेंगे। कुछ बड़ी खबरें हैं, एक दो उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे अपने आज, और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने अपनी बात को जो है शुरू करते हैं। साथियों, मुख्य तौर पर अपने बात करेंगे नरमे के ऊपर, जो एक खतरा मंडरा रहा है, सोमवार का मीटिंग का, टेक्सटाइल मंत्रालय की मीटिंग है वित्त मंत्रालय के साथ, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, और सरसों के ऊपर, और थोड़ी छोटी छोटी चर्चा अपने ग्वार के ऊपर और मूंग के ऊपर भी करेंगे। साथियों जी, शुरू करते हैं अपने सरसों के साथ। साथियों देखिए, इस हफ्ते की बात करें तो सोमवार को मैंने बोला था कि जो नुकसान सरसों के अंदर हुआ है, उस नुकसान को जो है सरसों साथियों रिकवर कर लेगी, सरसों जो है उसकी भरपाई कर लेगी, और ईश्वर की कृपा से वही हुआ, भगवान की कृपा से वही हुआ। सरसों ने अपना पूरा जो नुकसान था उसको लगभग लगभग जो है अब रिकवर कर लिया है। जो इस हफ्ते के स्टार्टिंग में आप कह सकते हो नुकसान हुआ था, या फिर पिछले हफ्ते के लास्ट में जो नुकसान हुआ था, ये एक अच्छी खबर है। और वैसे ही हुआ जैसे आपने बताया था सोमवार को, कि टुकड़ों में इसकी भरपाई होगी। देखिए, जब किसी सरसों का, जब किसी भी जींस का भाव नीचे गिरता है तो एकदम से गिर जाता है, लेकिन उसकी रिकवरी जो होती है, खास करके मैं सरसों की बात करूं, तो वो टुकड़ों में ही होती है, और वही हुआ। टुकड़ों के अंदर जो है इसकी जो है भरपाई साथी हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरसों के अंदर भरपाई हो चुकी है। कोई बड़ा नुकसान आगे सरसों के अंदर नहीं दिख रहा, आवक ना के बराबर है, बिल्कुल बहुत कम आवक है। साथियों, अब जैसे जैसे भाव आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि आगे जो है थोड़ा बहुत कोई आवक बढ़ जाए, क्योंकि भाव के अंदर सुधार है, और लगता है अब कि अगले सप्ताह से, अब अगले सप्ताह के मध्य में कोई थोड़ा सा ब्रेक आए, नहीं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो है आगे ये इसका जो भाव है वो बढ़ता रहेगा। साथियों, आज अच्छी खबर है कि जयपुर के अंदर लगभग लगभग 8,000 रुपये सरसों होने को चली है साथियों, और 8,000 रुपये सरसों से कोई 20-30 रुपये कम रही है। वही टारगेट था, वही बोला था कि ये एक बार जयपुर की मंडियां जो हैं वो 8,000 का भाव एक बार टच करेंगी, और लोकल की जो मंडियां हैं लगभग लगभग उनके अंदर भी आप मान के चलें, धन्यवाद मान साहब, लगभग लगभग मान के चलिए आप कि अब 7,000 को सारी मंडियां लगभग क्रॉस कर गई हैं, जो कि एक बार 6200, 6300, 6400 के भाव आ गए थे। बड़ा उस समय ये लग रहा था कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उम्मीद थी कि एक तेजी बनेगी, और मैंने वो रिस्क लिया, और वो रिस्क जो है भगवान ने बड़ी कृपा की, और वो जो है 7,000 का भाव लगभग लगभग सारी मंडियां अब जो है टच कर रही हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, सौदा आप सारे साथी अपने रिस्क के ऊपर करें। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, पुनः निवेदन कर दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, किसान राजा हेयर। थोड़े दिनों के बाद कोशिश करेंगे लाइव वहीं पर आया करेंगे साथियों, क्योंकि फेसबुक ने बड़ी कड़ी नज़र रखी हुई है मेरे ऊपर, पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरी फेसबुक के, इनकी क्या दुश्मनी है मेरे साथ, हर बार स्ट्राइक, अभी भी 2 स्ट्राइकें पड़ गई साथियों, पता नहीं पेज कब ये लोग बैन कर दें। तो आप सारे साथी भी कोशिश करना यार, वहीं जुड़ना, अगर बाई चांस यहाँ नहीं कर पाए तो फिर अपने वहाँ जो है फसलों के भाव की जानकारी दिया करेंगे। साथियों, विनोद जी ने लिंक शेयर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो सरसों के अंदर बड़ी मंदी नहीं है साथियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और टुकड़ों में हो सकता है धीरे 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 सरसों आगे तेज हो जाए। सौदा जो है आपको अपने विवेक से करना है। सरसों के भाव की चर्चा करें, सूरतगढ़ के अंदर 7,010 रुपये, गड़साना के अंदर 7,185 रुपये, भाव सुनने वाले हैं, बड़े मजेदार भाव हैं, और अच्छा लग रहा है आज बता के, क्योंकि जब किसान भाइयों की फसल का भाव बढ़ता है तो दिल को एक सुकून मिलता है, क्योंकि मैं खुद किसान हूं, और किसी किसान भाई का भला होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। धौलपुर के अंदर 7,100 रुपये, रायसनगर के अंदर 7,030 रुपये, गंगापुर सिटी के अंदर 7,540 रुपये, एलनाबाद के अंदर थोड़ा डाउन रहा 6,750 रुपये, भरतपुर के अंदर 7,500, जयपुर के अंदर 7,940 रुपये, जैसे मैंने कहा कि अच्छा भाव है। कैथल 7,440, हिंडौन मंडी में 7,510, दिल्ली के अंदर 7,600, दादरी 7,440, टोंक 7,740, सलोनी के अंदर आज 200 रुपये की लगभग लगभग तेजी रही है साथियों, 8,500 रुपये सलोनी का जो प्लांट है उनकी बात कर रहा हूँ।
निवई मंडी के अंदर 7830 रुपये, कोटा 7000 रुपये, भरतपुर 7040, जोधपुर 7560 और अलवर के अंदर 7540 रुपये। सिर्फ और सिर्फ एक मंडी है एलनाबाद जिसके अंदर भाव 6750 रुपये रहा है, बाकी सारी मंडियां 7000 से ऊपर हैं। इसके लिए जो मेरे सरसों के साथी हैं जिन्होंने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा जिगरा रखा, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका टारगेट एक बार पूरा हो गया। हो सकता है आगे आपको और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर मिल जाए साथी, उसकी जानकारी कोशिश करूंगा कल एक स्पेशल वीडियो बना के आपके साथ साथियों शेयर करूंगा। जी आगे अपने बात करें ग्वार की साथियों, तो ग्वार के अंदर बड़ी तेजी नहीं है, नरमे पे बात करेंगे, कुछ साथी पूछ रहे हैं नरमे के ऊपर, अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे साथियों। ग्वार के अंदर आज कोई बड़ी तेजी नहीं है, कल भी बड़ी तेजी नहीं थी, कल थोड़ी सी एक मंदी थी 30 से लेके 65-70 रुपए की, लेकिन वो जो मंदी है वो रिकवर हुई है आज, आप ये कह सकते हो, आप तेजी इसके अंदर नहीं कह सकते। तो साथियों ग्वार के अंदर बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन ग्वार का जो सिस्टम है, ग्वार की जो कहानी है, ये समझ से एक बार बाहर है साथियों। कल कोशिश करूंगा इसके पूरे इनपुट लेने की, क्योंकि ग्वार के अंदर थोड़ी गड़बड़ लग रही है साथियों, ग्वार की आवक नहीं है, फसल बहुत कमजोर थी, क्रॉप कमजोर थी, भाव इतने क्यों कमजोर है, ये कुछ लोगों के ये जो है धक्के चढ़ गया है सारा सिस्टम। तो कल अपने कोशिश करेंगे ग्वार के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने की, अगर जो है इनपुट मेरे को अवेलेबल हो गया साथियों। तो ग्वार में बड़ी तेजी साथियों नहीं है, लेकिन एक बात नोट करने वाली है, ग्वार के अंदर बड़ी मंदी नहीं है। सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि जो है और साथी जुड़ जाएं, फिर अपने नरमे के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आज कर्णपुर के अंदर ग्वार बिका है आज 5990 रुपये, सबसे कमजोर रहा ग्वार यहाँ पे। रायसनगर में 6200 रुपये, जो कि 6400 बिक चुका है यहाँ पे ग्वार, यहाँ भी थोड़ा कमजोर है। रावड़ा 6150 रुपये, गरसाना के अंदर भी रेट कमजोर रहा है 5860 रुपये, और सूरतगढ़ के अंदर लगभग मानिए आप 6000 रुपये के आज ग्वार के सौदे जो साथियों हुए हैं। मूंग की बात करें, मूंग के अंदर बड़ी तेजी साथियों नहीं है, मैंने कल ही कहा था और इस हफ्ते के शुरू में मैंने बोला था कि भाई ये जो है ग्वार जो है तेज नहीं, सॉरी मूंग जो है ये इस हफ्ते के अंदर तेज नहीं होगा, और वही है साथियों तेज जो है ग्वार, सॉरी मूंग जो नहीं हुआ है, लेकिन डाउन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि मूंग के अंदर भी बहुत बड़ी कोई मंदी नहीं है, एक बार जो है एक स्ट्रिक्ट जो भाव अभी पूरा बन नहीं रहा मूंग के अंदर, बड़ी तेजी साथियों मूंग के अंदर मुश्किल लग रही है। हालांकि आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, उसके अंदर ये लिखा गया था कि आगे भी मौसम खराब बता रहे हैं, तो दालों को जो है फायदा हो सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हाजिर मंडियों के अंदर, हाजिर मंडियों से मेरा मतलब है कि जो धान मंडी है वहां पे जो है मेरे को इसके अंदर कोई बड़ा फायदा साथियों नहीं लग सकता। हो सकता है आने वाले समय के अंदर कोई दालों के अंदर जो है साथियों सुधार हो सके। अब अपने बात करते हैं साथियों नरमे की, जो कि बड़ा इस समय का हॉट टॉपिक है, सबसे बड़ा जो है मुद्दा है साथियों। देखिए नरमे के अंदर साथियों ऐसा है कि नरमे के अंदर आज कोई बड़ी तेजी नहीं थी। अब आप लोग ये कहेंगे कि तेजी क्यों नहीं थी, नरमा तो आज 10000 को टच कर गया, लेकिन उसका एक कारण है साथियों, उसका एक रीजन है साथियों। नरमा भले ही 10000 को टच कर गया, लेकिन जो भाव नरमे का होना चाहिए था वो नरमे का भाव अभी नहीं है साथियों। मैंने दोपहर को भी एक वीडियो डाल के आपको जानकारी दी थी कि वित्त मंत्रालय को टेक्सटाइल और उद्योगपति जो है उन्होंने एक लेटर लिखा है, लेटर क्या लिखा है, प्रपोजल ही बना के भेज दिया। आज तो बिल्कुल मोर ही लगी उस बात के ऊपर कि नरमे के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए, यानी कि व्यापारी ये चाह रहे हैं कि नरमे के जो ये मिलर्स हैं इनको बिल्कुल आजाद कर दिया जाए, इनको आजादी इतनी दे दी जाए कि ये कभी भी कहीं से भी नरमा खरीद के ले आए और उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगे। और बड़ा दुख मुझे हुआ जब देश की मीडिया उसके ऊपर एक एक फिट की जो है छलांगे लगा रही थी, अपनी कुर्सी से बैठी चार उद्योगपतियों को पास बिठा के, और बड़ा खुश हो रहे थे वो कि उद्योगपतियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, मिलर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जो नरमे का काम करने वाले स्टॉक करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छी खबर है। तो साथियों ये एक बड़ी दुखद बात मुझे लगी आज कि देश का मीडिया जो है वो किसान, हालांकि सबको पता है अगर ऐसा होता है तो किसान का नुकसान है, अगर नरमे को वायदा के बाहर किया जाता है तो उससे मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आज भी मैंने बहुत से एक्सपर्ट लोगों के साथ बात की, उन्होंने यही बात बोली कि नरमे के को वायदा से बाहर करने से कोई बहुत बड़ा जो है नुकसान वो साथियों नहीं हो सकता, ऐसा उनका मानना था। लेकिन अगर इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है उसको ख़त्म किया जाता है तो उसका नुकसान नरमे को हो सकता है, लेकिन आने वाला समय बताएगा, वो हम लोग सोमवार को ही तय कर पाएंगे कि नरमे का रुख है जो क्या रहता है। आज नरमे की बहुत बड़ी आवक थी,
खास करके राजस्थान के अंदर, हरियाणा और पंजाब के अंदर, जो गुजरात की मंडियां हैं या आप मानिए महाराष्ट्र की मंडियां हैं या मध्य प्रदेश की मंडियां हैं, वहां पर ज्यादा आवक नहीं थी, उसका एक कारण था। जिन मंडियों ने, आप एक चीज नोट करना, अगर आप मंडियों के भाव आप सुनेंगे लास्ट में, या आपने सुन लिए होंगे या आपने पढ़ लिए होंगे कहीं पे, जिन मंडियों ने नरमा बहुत नीचे खरीदा था, मैं अब नाम नहीं लूंगा किसी मंडी का, उन मंडियों के अंदर आज आवक भी ज्यादा थी और उनके अंदर आज भाव भी ज्यादा था। उसका एक कारण था, वो लोग किसानों को ललचा रहे थे कि जितना भी नरमा आज आ जाए वो हमारे लिए अच्छा है। इससे ये प्रतीत होता है कि जो आप तूड़ी का पूछ रहे हैं, बंसीलाल जी, तूड़ी की जानकारी तो मैं आपको कैसे दे दूंगा, आप फिर कभी आप अपने इस मैटर पे बात करें या मेरे को फोन कर लें आप। प्रतीत ये होता है साथियों कि जो सोमवार को फैसला होने वाला है उसके अंदर किसानों को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा होता, हालांकि जो प्राइवेट माल खरीदते हैं, जो प्राइवेट नरमा खरीदते हैं, मैंने 4-5 लोगों से आज संपर्क करने की कोशिश की, उन सबका यही कहना था कि हम लोग बड़ा सौदा कोई नहीं करेंगे आज, कोई 20-30 क्विंटल का सौदा है तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम लोग 100-200-400 क्विंटल का सौदा नहीं करेंगे। उसका कारण उन्होंने ये बताया कि हम लोग जो है वो सोमवार वाली मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि अब लग ये रहा है साथियों कि अगर मान लो बहुत बड़ा कोई नुकसान होने वाला होता वायदा से बाहर करने का और इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का, इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का नुकसान हो सकता है ऐसा मेरा मानना है, लेकिन वायदा से बाहर करने का अगर नुकसान होता तो आज नरमे के अंदर तेजी नहीं होती। ये एक पक्ष है। दूसरे पक्ष का ये कहना है कि आज नरमे को तेज करके नरमे की आवक बढ़ानी थी और नरमे की आवक बंपर थी। आज राजस्थान के अंदर मैं बात करूं, लगभग लगभग सभी मंडियों में मेरी बात हुई है, नरमे की आवक साथियों बंपर थी, नरमा बहुत आया है आज मंडियों के अंदर, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर था, किसान भाइयों के अंदर एक डर था कि कहीं सोमवार को नरमा जो है 500-400 रुपए या कुछ 600 रुपए टूट ना जाए। हालांकि अगर एक चीज और सोचने वाली है, मतलब एक एक मैं मेरा पर्सनल आपको व्यू दे दूं कि सरसों को वायदा से बाहर किया गया। होता क्या है, जब सरसों वायदा में थी तब सरसों घूम रही थी 7300-7200 के घरों में, जब वायदा से बाहर करते हैं वही सरसों जाती है 6200 रुपए। लगभग लगभग 1.5 महीने के अंदर सरसों वापिस वही 7300 की पोजीशन अभी जो है वो रिकवर कर गई है और वहां पहुंचने वाली है। बड़ी बात यह है कि वायदा से बाहर करने के बावजूद भी सरसों के जो भाव है वो कंट्रोल नहीं हुए। अगर अपने इस चीज से मिला के उस चीज को देखें तो वायदा से बाहर करने का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ जाएगा। हाँ ये है, अगर ये जो ड्यूटी है, जो टैक्स है, इसको कम कर देते हैं, 11% टैक्स को रिमूव कर देते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फर्क आ जाए। एक मेरे मित्र हैं अनूपगढ़ से, मोहित छाबड़ा जी, बड़े अच्छे इंसान हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने उनका ये कहना था कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसका एक कारण उन्होंने बताया, क्योंकि विदेशों के अंदर भी नरमे की और रुई की बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा कमी है। इस बार किसी जो बड़े देश हैं, अब नाम तो किस किस का लूं, जो और कंट्रियां हैं, जो नरमा उत्पादक कंट्रियां हैं, उनके अंदर भी नरमे की शॉर्टेज है, उनके अंदर भी रुई की शॉर्टेज है। उनका ये कहना था कि हो सकता है ये इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म करके एक डराने की कोशिश करें, लेकिन उनको उनके अनुसार ये लग रहा था कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर से नरमा खरीद कर लाना भी इनके लिए मुश्किल है, इनको नरमा यहीं से ही खरीदना पड़ेगा। ऐसा उनका मानना था कि इससे भी ज्यादा फर्क साथियों नहीं पड़ेगा। तो मेरा भी मन यही कह रहा है कि कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, हो सकता है कि फर्क पड़े, लेकिन भगवान ने चाहा तो जैसे सरसों में रिकवर कर गए, हो सकता है इसके अंदर भी हमें रिकवरी देखने को मिल जाए। जो मेरे किसान भाई नरमा रख के बैठे हैं, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सरसों के साथियों से सीखिए, बड़ा दिल रखा उन्होंने, 7500 का भाव छोड़ के 6200 को सरसों नहीं बेची, आज दोबारा 7500 होने की कगार पर है और लगभग लगभग 8000 जो है जयपुर का भाव साथियों है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सौदा बहुत से साथी पूछ रहे हैं नरमा रोके कि बेचें, रोके बेचें, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं या कोई मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूं, मुझे जैसी सूचना, मैं कोशिश करता हूं शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के वीडियो को प्रिपेयर करने की, सबसे बात करने की, सबसे भाव लेने की, सबसे राय लेने की, मिलर से बात करते हैं, मंडियों के अंदर बात करते हैं, तो मैं वो बना के आप तक पहुंचाता हूं। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि सौदा आपको अपने रिस्क पे करना है, लेकिन
इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत मेरे को लग नहीं रही है जैसे जैसे आज शाम को माहौल बना है। बाकी उम्मीद करेंगे कल तक और अपने कोशिश करेंगे, इनपुट लेंगे साथियों, क्योंकि जिन साथियों के पास 400-500 क्विंटल नरमा पड़ा है, चाहे किसी के पास 40 क्विंटल ही पड़ा है, चाहे 20 क्विंटल ही पड़ा है, जितना किसी के पास पड़ा है उसको चिंता हो सकती है, चिंता होनी वाजिब भी है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि विदेशों में नरमे की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबली अगर अपने बात करें तो नरमा बहुत तेज है, तो टैक्स घटाया भी जाता है तो इतना बहुत ज़्यादा बड़ा इसके अंदर पैनिक होने की बात नहीं लग रही साथियों, क्योंकि इनको नरमा बाहर से मंगवाना भी महंगा पड़ेगा, इतना सस्ता नहीं पड़ेगा। लेकिन एक टीस है मन के अंदर, एक दुख है मन के अंदर मेरे कि मुश्किल से जाके किसान को भाव मिलने लगा और उद्योगपतियों के पेट में दर्द चालू हो गया और उसके साथ साथ मीडिया के पेट के अंदर भी दर्द चालू हो गया, यानी कि किसान की सुनने वाला कोई भी नहीं इस देश के अंदर। यार कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत धारणा है ये कि हमारे देश के किसान को रेट नहीं मिले, हम लोग जाके इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म करा के बाहर से नरमा लेके आ जाएंगे। बड़े दुख की बात है साथियों, ये जो किसान का आत्म सम्मान है उसको सच में एक ठेस पहुंचाने वाली बात है। इसके खिलाफ सभी किसान संगठनों को आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन दुख इस बात का है क्योंकि सब लोगों को इस चीज का पता नहीं है। मुझे भी पता नहीं होता था एक साल पहले, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं ईमानदारी से बताऊं, लेकिन अब जैसे जैसे इस सिस्टम के अंदर घुसे हैं, अब धीरे धीरे जो इनके जाल हैं, जो इनकी जालसाजियां हैं, उसका जो है साथियों पता चलने लगा है। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है साथियों, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत जो है नरमे के अंदर नहीं है। चर्चा लंबी हो जाएगी, फिर कभी करेंगे साथियों, नरमे के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि यूट्यूब के ऊपर भी सारे साथी जरूर जुड़ जाना, किसान राजा हेयर नाम से चैनल है, वहाँ जुड़ जाना साथियों। यहाँ एक दो स्ट्राइक आ गई है मेरे को फेसबुक के ऊपर, पता नहीं कब ये जो है लाइव बंद कर देंगे, तो आप वहां जुड़ना, फिर अपने कोशिश किया करेंगे कि वहां सारे भाई मिलके जो है चर्चा साथियों किया करेंगे। बात करते हैं नरमे की साथियों, आज सूरतगढ़ के अंदर 9805 रुपए, गड़साना के अंदर, एक छोटी सी बात आपको जाते जाते लास्ट बताऊंगा, एक थोड़ी देर जुड़े रहना, गड़साना के अंदर 9805 रुपए, रावड़ा के अंदर 9780 रुपए, करणपुर के अंदर 9650 रुपए, आदमपुर के अंदर 9580 रुपए, रायसेनगर के अंदर 9780 रुपए, पीलीबंगा 9890, हनुमानगढ़ 9880, गोलूवाला 9850, आदमपुर के अंदर जो है 9540, सिरसा 9580, विजयनगर 9690, अनूपगढ़ 9990, श्री गंगानगर के अंदर 9810, एलनाबाद 9570, संगरिया 9760, अबोर के अंदर 9710 रुपए साथियों आज नरमा बिका है। एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सरकार चाहे मीटिंग कर रही है सोमवार को, दो मीटिंगें पहले हो चुकी हैं, हो सकता है 5-5 स्टेटों के अंदर चुनाव हैं, कहीं ना कहीं सरकार ये सोच ले कि 5 स्टेटों के किसान हम लोगों को, 5 स्टेटों के तो नहीं, वैसे तो पूरे देश के किसानों के अंदर रोष होगा इस बात का कि मुश्किल से किसान को भाव मिलने लगा है, अगर आज ये जो है छूट दे देंगे बाहर से नरमा खरीदने की बिना टैक्स के, तो जाहिर से बात है किसानों के अंदर इस चीज़ का गुस्सा होगा, सरकार चाहे किसी की मर्जी हो। लेकिन सरकार ये कभी नहीं चाहती कि चुनावों के टाइम उनका विरोध हो, एक अच्छा माहौल बन सकता है, हो सकता है वायदा से बाहर ना करके वायदा की कुछ जो है सेटिंग है, जो ट्रेड का जो नियम है उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जाए और टैक्स को 11% ना घटा के, जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे लगता है 11% ना घटा के जो है टैक्स को वो 6% घटा दिया जाए या 5% घटा दिया जाए, ऐसा जो है मेरा साथियों मानना है। बाकी जो भी जानकारी मिलेगी कल पुनः आपसे साझा करूंगा, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।